हे गाइस, वेलकम टू द स्मार्ट लर्निंग एकेडमी। मेरा नाम है वीरेंद्र सिंह। क्रैश कोर्स चल रहा है हर एक एग्जाम के लिए, सीएसआईआर गेट डीबीटी आप लोग देख रहे होंगे। हर दिन क्रैश कोर्स में हम नए वीडियोस आपके लिए कॉन्टिन्यूस लेके आते रहते हैं, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिल सके। और अगर आप टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ना चाहते हैं स्मार्ट लर्निंग एकेडमी के, तो जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। कोई भी क्वेरीज आएगी तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेल सिग्नलिंग पे मूव करने की कोशिश करता हूं। सिग्नलिंग, सेल सिग्नलिंग और ट्रांसडक्शन में फर्क होता है। सी, सिग्नलिंग के लिए कोई भी एक पर्टिकुलर कंपाउंड है, अब सेल को डिवाइड करना है कि नहीं डिवाइड करना है, क्या करना है, वो सारी चीजें कौन बताता है कि सेल डिवाइड करेगा कि नहीं करेगा, कैसे करेगा, वो सारी चीजें जो बताने वाले पार्ट होते हैं वो बताता है एक लिगेंड मॉलिक्यूल। कि जस्ट सपोज एक सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन के पास एक रिसेप्टर होता है, सेल मेम्ब्रेन के पास एक रिसेप्टर होता है, एक लिगेंड आता है, लिगेंड जो होता है वो लिगेंड बाइंड करेगा यहाँ पे, ये रिसेप्टर होता है, लिगेंड है और ये रिसेप्टर है, लिगेंड एंड रिसेप्टर, लिगेंड और रिसेप्टर के बारे में बात होती है। फिर यहाँ पे कुछ इफेक्टर मॉलिक्यूल होते हैं, वो इफेक्टर मॉलिक्यूल कैस्केड के फॉर्म में करते हैं, एक दूसरे को एक्टिव करते करते आगे की तरफ जाते हैं और रिस्पॉन्स शो करते हैं, न्यूक्लियस में पहुंच के या जैसे भी, अगर मैं कहूं तो न्यूक्लियस में पहुंच के, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन वहीं पे होता है, तो वो रिस्पॉन्स शो करते हैं। सो जो कैस्केड पाथवे होता है, द कैस्केड पाथवे, जो कैस्केड पाथवे होता है वन बाई वन करके, कैस्केड का मतलब क्या है, एक दूसरे को एक्टिवेट कर रहा है, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को, ऐसे ऐसे करके जो कैस्केड पाथवे होता है उसको बोलते हैं ट्रांसडक्शन। क्या बोलते हैं उसको? बोलते हैं ट्रांसडक्शन। अब इस ट्रांसडक्शन को अगर हम जोड़ दें, अगर हम लिगेंड बाइंडिंग से भी जोड़ दें, तो द होल प्रोसेस, द ट्रांसडक्शन एंड द रिसेप्टर बाइंडिंग, रिसेप्टर लिगेंड बाइंडिंग, रिसेप्टर लिगेंड बाइंडिंग, ये जो जोड़ दिया जाए तो उसको बोलते हैं सिग्नलिंग। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सिग्नलिंग एंड द ट्रांसडक्शन। सिग्नलिंग में रिसेप्टर लिगेंड बाइंडिंग नहीं होता, सिर्फ इनसाइड द सेल कैसे वो ट्रांसड्यूस हो रहा है वो पढ़ा जाता है, ठीक है। सो ट्रांसडक्शन सेल सिग्नलिंग में जो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, दैट इज द जीपीसीआर। जीपीसीआर होता है जो कि ज्यादा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा आरटीके, ये जो दो पाथवे हम पढ़ेंगे। और अगर मैं कहूं नाइट्रिक ऑक्साइड सिग्नलिंग पाथवे होता है, एक नाइट्रिक ऑक्साइड सिग्नलिंग पाथवे भी होता है, और एक होता है आपके इंट्रासेलुलर पाथवेज, कुछ बेसिक्स इंट्रासेलुलर पाथवेज ये होते हैं, इंट्रासेलुलर पाथवेज। नाउ इंट्रासेलुलर पाथवे ज्यादातर किसके लिए होते हैं? ये होते हैं स्टेरॉयडल हॉर्मोन्स, स्टेरॉयडल हॉर्मोन्स के लिए होते हैं, या T3 T4 हॉर्मोन्स के लिए होते हैं, ये इंट्रासेलुलर होता है। नाइट्रिक ऑक्साइड जो होता है, ये नाइट्रिक ऑक्साइड सिग्नलिंग भी होता है, इसमें गुआनिलिल साइक्लेज इन्वॉल्व होता है। आरटीके जो होता है ज्यादातर ग्रोथ फैक्टर्स के लिए होता है, ज्यादातर ग्रोथ फैक्टर्स के लिए होता है आरटीके, जो मोस्टली इन्वॉल्व होता है। और जीपीसीआर जो होता है, जीपीसीआर की बात करते हैं, मोस्ट ऑफ द हॉर्मोन्स जो होते हैं वो, या केमिकल कंपाउंड्स इसी को फॉलो करते हैं। ये बाकी जितने होते हैं आरटीके, एनए, जैकस्टेट, ये सारे पाथवे हालांकि बहुत डिटेल है, वो सारी चीजें मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि गेट पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। सो आरटीके और नाइट्रिक ऑक्साइड पाथवे या इंट्रासेलुलर पाथवे, ये अदर देन जो स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जिनका कुछ एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है उसके लिए ये यूज होते हैं। तो मोस्ट कॉमनली यूज्ड एज अ जीपीसीआर। मैं जीपीसीआर या जी प्रोटीन सिग्नलिंग के ऊपर चलने की बात करता हूं। चलिए देखेंगे जी प्रोटीन सिग्नलिंग क्या होता है और उसको हम कैसे अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है जी। सो दैट इज व्हाट द जी प्रोटीन सिग्नलिंग, इसमें नाम क्या आ रहा है, जी प्रोटीन सिग्नलिंग आ रहा है। जी प्रोटीन के बारे में जानना भी जरूरी है, जी प्रोटीन के बारे में भी जानना जरूरी है, ठीक है। जी प्रोटीन के बारे में भी जानना जरूरी है कि जी प्रोटीन होता क्या है, तभी तो उसके सिग्नलिंग के बारे में देखेंगे। मैं यहाँ पे आपको सिग्नलिंग ऐसा बताऊंगा
एक पाथवे में जी प्रोटीन के बारे में सब पता चल जाने वाला है, लेकिन पेशेंट से अगर 10 मिनट पूरा सुनेंगे तो, सिर्फ 10 मिनट अगर पेशेंट से सुनने की हिम्मत है तो पूरा जी प्रोटीन सिग्नलिंग विद इन सेकेंड्स आपको समझ में आ जाने वाला है। जस्ट 10 मिनट कॉन्स्टेंट होके दिमाग को खोल के सुनिएगा और सुनने के बाद आपको खुद मजा आएगा कि अरे क्या बात है, ठीक है, ये आपके मन से जरूर निकलेगा। चलिए तो जी प्रोटीन के बारे में पहले डिस्कस कर लेता हूं, व्हाट इज दैट जी प्रोटीन। ठीक है, जी प्रोटीन के बारे में जब डिस्कस करेंगे तो जी प्रोटीन के तीन पार्ट होते हैं, अल्फा होता है, बीटा होता है और होता है गामा। ठीक है, एक मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन के पास जी प्रोटीन जो होता है एक होता है GPCR। ठीक है, अब चाहिए एक रिसेप्टर जिसको बोलते हैं जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। क्या बोलते हैं? जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर के बारे में अगर मैं बताऊं तो ये कैसा होता है, ये होता है 7 ट्रांस मेम्ब्रेन पास। कैसा होता है? 7 ट्रांस मेम्ब्रेन पास होता है। ठीक है, 7 ट्रांस मेम्ब्रेन पास होता है जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर जो होता है, 7 ट्रांस मेम्ब्रेन पास होता है। एन एंड सी टर्मिनल जो होते हैं अपोजिट साइड होते हैं, एन एंड सी टर्मिनल अपोजिट साइड होते हैं। इसको मैं एक्सटेंड करके बनाऊं तो देखिए ये बनता कैसे है, वो बनता कुछ इस तरीके से, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये होता है सी, ये होता है वो एन। ये जो 6 और 7 होता है, 6 और 7 पे बाइंड करता है लिगेंड। ठीक है, लिगेंड जो होता है, लिगेंड बाइंड टू द 6-7 डोमेन। लिगेंड जो होता है वो 6-7 डोमेन से बाइंड करेगा, जहां पे 6-7 डोमेन होता है। ये है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 6-7 से लिगेंड बाइंड करता है और इसको बोलते हैं लूप 3। ये होता है लूप 1, ये होता है लूप 2, लूप 3। इसको बोलते हैं 5-6 या इसको बोलते हैं लूप 3। लूप 3 जो होता है इंटरैक्ट विद द जी अल्फा। किससे इंटरैक्ट करता है? यही इंटरैक्ट करता है जी अल्फा सब यूनिट से। अब क्या होता है इसके बारे में अब डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब क्या होगा इसके बारे में डिस्कस करेंगे, जी अल्फा बीटा गामा। अब देखिएगा इसमें कैसे इंट्रैक्शन होता है, देखिएगा अल्फा जो होता है इस तरीके से बाइंडेड रहता है, गामा इस तरीके से बाइंडेड रहता है और बीटा इनके बीच में होता है। अल्फा और बीटा दोनों ट्रांसमेम्ब्रेन मेम्ब्रेन से जुड़े हुए होते हैं, लेकिन बीटा मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ नहीं होता। अल्फा के पास GTPase एक्टिविटी होती है, इसको GTP बाइंड भी करता है और GTPase एक्टिविटी से हाइड्रोलाइज भी करता है। GTP जो होता है यही बाइंड करता है और यही एडेनिलेट साइक्लेज के पास जाता है। गामा और बीटा सिर्फ और सिर्फ एज अ सपोर्टिव रोल प्ले करते हैं, एज अ सपोर्टिव रोल प्ले करते हैं। अल्फा जो होता है वो इसी डायरेक्शन में मूव करते करते जाता है, इसी डायरेक्शन में मूव करते करते जाता है। अब इस सिग्नल को जो यहां से लिगेंड बाइंड किया लूप 3, क्या होगा यहां पे अगर मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करूं इस तरीके से, अगर आप देखोगे 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो यहां पे अगर लिगेंड बाइंड किया, अगर यहां पे लिगेंड बाइंड किया तो ये रहा लूप 3 जो कि जी अल्फा से इंटरैक्ट करता है। वो अब जी अल्फा प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होते 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 मूव करेगा, जीटीपी से बाइंड करेगा। अब जी अल्फा जब जीटीपी से बाइंड करता है तो ये एक्टिव होता है, और अगर ये जी अल्फा जो होता है अगर जीडीपी से बाइंड करता है तो ये इनएक्टिव होता है। ये आपका जी अल्फा का फॉर्म होता है। इट इज द बेसिक अबाउट जी प्रोटीन सिग्नलिंग। अब ये पहुंचेगा कहां पे? ये पहुंचता है एक इफेक्टर मॉलिक्यूल। क्या बोलते हैं इसको? इफेक्टर मॉलिक्यूल, जो कि इसके बाद वो इस ट्रांसडक्शन पाथवे ऑन करेगा। अभी तक सेल रिकॉग्नाइज कर रहा है लिगेंड को और रिसेप्टर इंटरेक्शन के साथ इफेक्टर तक पहुंचा, अब ये इफेक्टर ट्रांसडक्शन पाथवे को ऑन करेगा। सो क्या अब इसके आगे में पाथवे पे लेके चलूं? यहां तक समझ में आ रहा है? ये रहा इफेक्टर मॉलिक्यूल। अब इफेक्टर अलग अलग हो सकते हैं और सारी चीजें भी अलग अलग हो सकती हैं। ठीक है, सो जस्ट ट्राई टू फोकस, एक बार फिर से फोकस करिएगा। मैं पहले इसको समराइज करूंगा फिर एज अ डायग्राम दिखाऊंगा। पहले मैं समराइज करता हूं, देखिएगा क्या होता है कि जब जी प्रोटीन सिग्नलिंग के बारे में बात कर रहे थे, जी प्रोटीन सिग्नलिंग मेरे जो नोट्स होते हैं उसमें लैंग्वेज नहीं होता, इसलिए लोगों को PDF चाहिए जहां पे लैंग्वेज चाहिए। बट मेरी जो चीजें होती है डायग्राम, अगर समझ जाओगे तो लैंग्वेज की जरूरत नहीं पड़ेगी। लैंग्वेज में वही तो एक्सप्लेन किया जाता है जो डायग्राम में एग्जैक्टली होता है। ठीक है, सो देखिएगा जी प्रोटीन जी अल्फा जीटीपी से बाइंड किया,
जी अल्फा जो होता है जीटीपी से बाइंड किया और बाइंड करते करते पहुंचेगा इफेक्टर के पास। अब इफेक्टर अलग अलग होते हैं, इफेक्टर अलग अलग हो सकते हैं। ये हो सकता है एडिनाइलेट साइक्लेज, क्या हो सकता है एडिनाइलेट साइक्लेज, अगर एडिनाइलेट साइक्लेज है, या हो सकता है क्या, या हो सकता है गुआनिलेट साइक्लेज, क्या हो सकता है गुआनिलेट साइक्लेज, गुआनिलेट साइक्लेज हो सकता है, या हो सकता है फॉस्फोलाइपेज सी, फॉस्फोलाइपेज सी, फॉस्फोलाइपेज सी, ठीक है, ये हो सकते हैं। एडिनाइलेट साइक्लेज जो होता है वो एटीपी को, एटीपी को कन्वर्ट करता है किसमें, एटीपी को कन्वर्ट करता है सीएएमपी में, ये फिर फर्दर काम करता है। गुआनिलेट साइक्लेज जो कन्वर्ट करता है, ये कन्वर्ट करता है जीटीपी को किसमें, सीजीएमपी में। ये सीएमपी जो होता है वो प्रोटीन काइनेज ए को कन्वर्ट करता है, इनएक्टिव प्रोटीन काइनेज ए को प्रोटीन काइनेज ए में कन्वर्ट करता है एक्टिव फॉर्म में, ठीक है। और सीजीएमपी जो होता है वो प्रोटीन काइनेज जी को एक्टिव करता है प्रोटीन काइनेज एक्टिव फॉर्म में, ठीक है। नाउ फॉस्फोलाइपेज सी जो होता है ये कन्वर्ट करता है पीआईपी2 को किस फॉर्म में, दो फॉर्म में कन्वर्ट करता है, एक होता है डैग और एक होता है कैल्शियम, कैल्शियम आयन, एक होता है आईपी थ्री नॉट कैल्शियम, ठीक है, डैग एंड आईपी थ्री, डैग एंड आईपी थ्री। आईपी थ्री जो होता है वो जाता है SER, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास, और ये कैल्शियम को रिलीज करता है, कैल्शियम रिलीज करके पहुंचते हैं फॉस्फोकाइनेज सी के पास, और डैग भी यहां पे पहुंचता है, और ये फॉस्फोकाइनेज सी एक्टिव होता है और रिस्पॉन्स शो करेगा। इज इट क्लियर, दिस इज ऑल द सेल सिग्नलिंग पाथवे एट अ सिंगल प्लेस एज अ समराइज्ड फॉर्म, ठीक है। जरा सा इसको डायग्रामेटिक फॉर्म में देखने की कोशिश करेंगे, चलिए देखते हैं डायग्रामेटिक फॉर्म में, एक ही डायग्रामेटिक फॉर्म में तीनों प्रोसेसेस देखेंगे हम, एक ही डायग्रामेटिक फॉर्म में तीनों प्रोसेस देखेंगे एट अ सिंगल प्लेस, जो कि जनरली आपको किसी बुक में तीनों एक जगह पे नहीं मिलने वाला, बट तीनों में एक जगह पे बताऊंगा पूरा का पूरा प्रोसेस हो कैसे रहा है जी प्रोटीन सिग्नलिंग के लिए, दैट इज व्हाट जीपीसीआर सिग्नलिंग, ठीक है। जीपीसीआर सिग्नलिंग होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा हो, जीपीसीआर सिग्नलिंग दैट इज व्हाट, यहां तक क्लियर है जो मैं अभी तक बताया हूं, सिग्नलिंग जीपीसीआर सिग्नलिंग के बारे में बात करेंगे, तो लिगेंड जो बाइंड करेगा, द लिगेंड विल बाइंड टू द 6-7 डोमेन, लिगेंड जो होगा 6-7 डोमेन से बाइंड करेगा। जस्ट ट्राई टू लिसन केयरफुली, बिना कुछ टाइप किए सुनने की कोशिश करिएगा, उसके बाद फिर टाइप जब मैं कहूंगा तब करिएगा, कोई कुछ नहीं टाइप करेगा, जस्ट सुनेगा, ठीक है। क्या करेगा, लिगेंड 6-7 डोमेन पे बाइंड करेगा, 6-7 डोमेन लूप 3 या 5-6 को एक्टिव करेगा, जी अल्फा सबयूनिट से इंटरेक्ट किया, इंटरेक्ट करने के बाद जी अल्फा एक्टिव होगा, एक्टिव होने के बाद ये तीन जगहों से इंटरेक्ट कर सकता है, ठीक है, ये तीन जगहों से इंटरेक्ट कर सकता है, वो तीन जगह क्या हो सकते हैं, दैट इज व्हाट एडिनाइलेट साइक्लेज, गुआनिलेट साइक्लेज या फॉस्फोलाइपेज सी, इन तीनों जगह से इंटरेक्ट कर सकता है, ठीक है। अब देखने की कोशिश करिएगा कि क्या होगा, नाउ अगर ये यहां पे पहुंचा जी अल्फा सब यूनिट जीटीपी के साथ, जीटीपी के साथ पहुंचता है, अब एडिनाइलेट साइक्लेज किसको, एटीपी को, एटीपी को किस में कन्वर्ट करेगा, सीएएमपी में कन्वर्ट करेगा, एटीपी को सीएएमपी में कन्वर्ट करेगा, सीएएमपी प्रोटीन काइनेज ए इनएक्टिव फॉर्म में प्रोटीन काइनेज ए को कन्वर्ट करेगा, जितना सीएमपी यहां पे चाहिए वो चाहिए 4 सीएमपी, 4 सीएमपी प्रोटीन काइनेज ए को कन्वर्ट करेगा इनएक्टिव प्रोटीन काइनेज ए, ये प्रोटीन काइनेज ए किसका काम करता है, ये कन्वर्ट करता है सीआरईबी को, किसको एक्टिव करेगा, सीआरईबी इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करेगा सीआरईबी, सीआरईबी जो होगा वो कहां पे जाएगा, न्यूक्लियस में, कहां पे जाएगा, दैट इज व्हाट, इन द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में जाएगा वो, ठीक है, न्यूक्लियस में पहुंचा, अब न्यूक्लियस में पहुंचने के बाद ये सीआरईबी किसको एक्टिव करता है, सीबीपी को, सीबीपी क्या है, अब सीआरईबी सीबीपी क्या है वो बता देता हूं, सीआरईबी का पूरा नाम होता है सीएएमपी, जिसको नहीं पता है सीएएमपी रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स, ठीक है, रिस्पॉन्स एलिमेंट, रिस्पॉन्स एलिमेंट, इसको सीआरई भी बोला जाता है, सीआरई रिस्पॉन्स एलिमेंट बाइंडिंग प्रोटीन, ठीक है, बाइंडिंग प्रोटीन, और सीबीपी को क्या बोलते हैं, सीबीपी इज व्हाट, सीबीपी इज द सीआरईबी बाइंडिंग प्रोटीन, सीआरईबी बाइंडिंग प्रोटीन,
तो सीबीपी पे बाइंड करेगा। सीबीपी किस पे बाइंड करेगा, एक डीएनए जो होता है, डीएनए पे एक साइट होती है जिसको बोलते हैं सीआरई, जो कि सीएएमपी रिस्पांस एलिमेंट होता है सीआरई। ये सीबीपी एक्टिव फॉर्म में यहां बाइंड करेगा और ये जीन जो होगा वो ऑन हो जाएगा। दिस इज द सेल सिग्नलिंग पाथवे विद द एडेनाइलेट साइक्लेज द फर्स्ट वन। ट्राई टू रिकॉल फर्स्ट वंस आई एम रिपीटिंग दिस पाथवे कि जी अल्फा यूनिट आएगा, जी अल्फा यूनिट एक्टिव होगा, मूव करेगा एडेनाइलेट साइक्लेज, वो एटीपी को सीएमपी में, चार सीएमपी प्रोटीन काइनेज को एक्टिव करेंगे, वो सीआरईबी को एक्टिव करेगा, एक्टिव होने के बाद सीबीपी को एक्टिव करेगा, वो सीआरई से बाइंड करेगा, जीन जो हो जाएगा ऑन हो जाएगा। दिस इज द एडेनाइलेट साइक्लेज। नाउ गुआनिलेट साइक्लेज के पास अगर पहुंचा, अगर जी अल्फा सब यूनिट गुआनिलेट साइक्लेज के पास पहुंचा यहाँ पे जीटीपी लेके, तो गुआनिलेट साइक्लेज क्या करेगा, गुआनिलेट साइक्लेज जो करेगा इसको देखने की कोशिश करिएगा, ठीक है, वो क्या करेगा, दैट इज द जीटीपी को किसमें कन्वर्ट करेगा, जीटीपी को करेगा सीजीएमपी में, सीजीएमपी में, सीजीएमपी क्या करेगा, प्रोटीन काइनेज जी को एक्टिव करेगा, प्रोटीन काइनेज जी एक्टिव फॉर्म में। कितने अमाउंट चाहिए, चार सीजीएमपी चाहिए एक्टिव करने के लिए। ये प्रोटीन काइनेज जी फिर अगेन कहां पे जाएगा, उसी सीआरईबी के पास, उसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर वो सीबीपी को एक्टिव करेगा, फिर वो जाके क्या करेगा, सीआरई से एक्टिव करके बाइंड करेगा सीआरई एलिमेंट से और ऑन कर देगा। अगेन दिस इज द गुआनिलेट साइक्लेज पाथवे। नाउ मूविंग टू द थर्ड वन, दैट इज व्हाट, दैट इज द फॉस्फोलाइपेज सी पाथवे। अगर यहाँ पे जी अल्फा सब यूनिट पहुंचा जीटीपी के साथ, तो फॉस्फोलाइपेज सी क्या करेगा, ये कन्वर्ट करता है किसको, ये कन्वर्ट करता है PIP2 को दो फॉर्म में। एक फॉर्म होता है डीएजी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होते हुए पहुंचता है फॉस्फोकाइनेज सी की तरफ, एक को कन्वर्ट करता है IP3 में, IP3 पहुंचता है SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और यहां से रिलीज होता है कैल्शियम, कैल्शियम रिलीज होकर पहुंचता है फॉस्फोकाइनेज सी, और फॉस्फोकाइनेज सी एक्टिव होके शो करता है रिस्पॉन्स को। दिस इज ऑल पाथवे ऑफ द GPCR एट सिंगल प्लेस। इज इट क्लियर, समझ में आया, मजा आया। ये देखिएगा कि पूरा का पूरा अलग अलग तीन डायग्राम पढ़ने की बजाय आपने एक जगह पे तीनों डायग्राम को पढ़ लिया, ठीक है। होप कि आपको क्लियर होगा GPCR सिग्नलिंग पाथवे, ठीक है। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो प्लीज डू लाइक एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स, क्योंकि मैं जितना हो सकता है मैं इतना आपके लिए कर रहा हूँ, और आप भी अपने फ्रेंड्स के लिए शेयर करिए ताकि वो भी इन चीजों से लर्न कर सके। अगर आपको डेफिनेटली पसंद है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ऑल द बेस्ट एंड टिल देन बाय बाय, टेक केयर।